मध्य प्रदेश के उज्जैन से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां एक शख्स ने बच्चे की चाहत में इंसानियत को तार तार कर दिया। मामला तराना तहसील के कांट बड़ौदा का है। उप सरपंच राजपाल सिंह दरबार की पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा था। दरबार ने नागपुर से एक लड़की को खरीदा, 16 महीने तक उसे घर में रखा और उसके साथ दुष्कर्म कर बच्चा पैदा किया। बच्चा मिलते ही उसने लड़की को घर से निकाल दिया। पुलिस ने आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इसके अलावा दो अन्य पर भी केस दर्ज किया गया है। ये देवासगेट थाने में ये महिला पहुंची थी कुछ दिन पहले, और महिला की हालत काफ़ी गंभीर थी। और जैसे ही ये सूचना मिली देवासगेट थाना को, ये इस महिला को हमने वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से हॉस्पिटल में इसका इलाज करवाया। जब वो स्थिति मतलब उसकी हेल्थ में सुधार हुआ और वो बात करने की स्थिति में आई, तो उससे पूछताछ हुआ। पूछताछ में ये पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। इसमें ये युवती जो है नागपुर की रहने वाली है और एक कायथा थाने में काठपुरौदा गांव पड़ता है, वहाँ एक युवक इसको खरीद कर लेके आया दलाल के माध्यम से, और उसके बाद एक साल तक उसने उसका शोषण किया। और उसके बाद जैसे ही वो उसने बच्चे को जन्म दिया, उसके बाद बच्चे को अपने पास रख के उसने उस महिला को देवास के रेलवे स्टेशन पर लावारी साथ में हालत में छोड़ के चला गया। पूरी जो घटनाक्रम है उस पर से एफआईआर की गई है, जिसमें अपहरण और दुष्कर्म जैसी जो धाराएं हैं उनमें कार्रवाई की गई है, और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो बीच में जो दलाल थे जिनके माध्यम से इस महिला को बेचा गया था, उनकी तलाश के लिए टीम लगा दी गई है और जल्दी उनको गिरफ्तार कर लिया। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।